बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, आओ एक मुलाकात खुद से भी कर लें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कि हर इंसान का अलग अलग नजरिया क्यों होता है, हर एक इंसान एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से लोगों के माइंडसेट डेवलप होते हैं और किस माइंडसेट में लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हैं और किस तरीके से हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में, और मेरा नाम कार्तिकेय कंवर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरी बाकी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं सक्सेस को लेके, लाइफ को लेके, बिजनेस डेवलपमेंट को लेके या क्रिप्टो करेंसी को लेके, जो भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशन वीडियो डालते हैं, वो आप तक टाइमली पहुँचते रहें। जैसे हम इस वीडियो का जो टॉपिक है माइंडसेट, आज हमने जैसे डिस्कस किया, आज हम माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि माइंडसेट जो है वो डेवलप होता कैसे है, माइंडसेट एक इंसान का बनता कैसे है, क्यों एक सिचुएशन को दो अलग अलग इंसान अलग तरीके से देखते हैं। दिमाग तो एक ही है, भगवान ने दिया सिचुएशन, तो सिचुएशन के हिसाब से हर इंसान अलग अलग क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि उनकी सोच, उनका एक्सपीरियंस, उनका पास्ट उनको इंसिस्ट करता है, उनके माइंड में ऐसे थॉट्स डालता है कि आपको ये चीज को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना है। हर इंसान देखो कि सोच अलग होती है जब से वो मैं कह सकता हूं जैसे जब से वो पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तब से लेके जो वो चीजें फेस करते हैं, जिस फैमिली में उनका ग्रोथ होती है, जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, या जो चीजें वो आसपास देखते हैं, उस तरीके से उनका माइंडसेट डेवलप होना शुरू होता है। जिस तरीके से वो एजुकेशन लेते हैं या जो लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उन लोगों की जो थॉट प्रोसेस होता है, वो थॉट प्रोसेस उनका थॉट प्रोसेस बन जाता है धीरे धीरे। तभी हम कहते हैं ना कि देखो जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग टेररिस्ट होते हैं, जो लोग इस तरीके से होते हैं, वो उनका माइंडसेट ये कहता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके माइंड में वो चीज डाली जाती है। अब इसी तरीके से दूसरे लोगों के लिए वो बिल्कुल गलत है, और एक्चुअल में देखा जाए तो सच में गलत है। तो ये चीजें लोगों के माइंड में अपने आप डेवलप हो जाती हैं कि उनको गलत चीजें भी अच्छी लगती हैं और अच्छी चीजें भी कुछ लोगों को गलत लगती हैं। तो ये अपने अपने जरिए में दोनों को लगता है कि हम ठीक हैं। तो ये क्यों होता है, क्यों इंसान अपनी सोच को इस तरीके से करता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वो जिस तरीके से रहते आ रहे हैं, जो सोच उनके ऊपर उनके दिमाग में डाली जा रही है, डल रही है, उनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपने आप जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं अपनी लाइफ से, वो ही उनका माइंडसेट बनाता है। लोगों को लगता है कि हमारा एक बार माइंडसेट बन गया है तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एक माइंडसेट बन चुका है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप जानते हैं कि वो माइंडसेट आपके लिए ठीक नहीं है, वो माइंडसेट आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए ठीक नहीं है, तो आप उसको डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। उसमें ज़रूर आपके एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि वो माइंडसेट एक तरीके से आपकी हैबिट भी बन जाता है, आपकी आदतें बन जाता है, और वो आपको ऑटोमेटिकली आपको ट्रिगर करता है कि इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट करना है। पर जब आपको पता चलेगा कि जो आपका रिएक्शन है वो गलत है, तो आप उसको चेंज करने पे जब आएंगे तो डेफिनेटली धीरे 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 आपकी वो सोच बदलेगी। आगे चलते हैं, इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा अच्छा समझाने के लिए मैंने माइंडसेट को दो तरीके से कैटेगराइज किया है, एक क्लोज माइंडसेट, एक ओपन माइंडसेट। क्लोज माइंडसेट मतलब जो लोग अपने सोच के एक दायरे में रहते हैं, उनका सोच का एक बाउंड्री है, उनका एक ब्रैकेट है जो उन्होंने अपने आप डिफाइन किया हुआ है, और उनको लगता है कि जो भी उस ब्रैकेट के अंदर हो रहा है वही ठीक है,
और वो ही सही है, उसको हम कह सकते हैं क्लोज माइंडसेट। मतलब वो लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो उनको पता है या जो उनको जानकारी है, जो उनकी सोच कहती है वो ही ठीक है, और वो उस बाउंड्री को, जो उनके माइंडसेट की जो बाउंड्री उन्होंने डेवलप करी है, डिफाइन करी है, उसको क्रॉस करने में घबराते हैं, उसके बाहर निकलने में घबराते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं कि क्लोज माइंडसेट और ओपन माइंडसेट के लोगों की सोच में क्या क्या फर्क होता है। जैसे हम बात करें अब क्लोज माइंडसेट की, तो ये जो लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ी सी सीमित होती है, क्लोज माइंडसेट के होते हैं, ये लोग अपने दिमाग में अपने बारे में एक अजम्पशन, एक सोच डेवलप कर चुके होते हैं कि वो क्या हैं और वो कैसे हैं। या तो वो अपने बारे में सोचते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझदार हैं, या वो सोचते हैं वो नहीं हैं। बट जो उनकी सोच होती है वो एक फिक्स्ड होती है, उसमें ऑल्टरेशन, उसमें चेंजेस करने में वो बिलीव नहीं करते हैं। उनकी सोच उनको रोकती है नई चीजें सीखने से, हार्डवर्क करने से, तो नई चीजें सीखने में, हार्डवर्क करने में बिलीव नहीं करते हैं। वो डरते हैं नई चीजें ट्राई करने से, क्योंकि उनके मन में एक फियर होता है, फियर ऑफ फेलियर। ये फियर ऑफ फेलियर क्या है कि अगर कोई चीज वो ट्राई करेंगे और अगर वो फेल हो गए, वो फेल होने के डर से वो चीजों को ट्राई भी नहीं करते हैं। और क्लोज माइंडसेट के लोगों के अंदर एक और हैबिट होती है या एक और सोच होती है कि उनको लगता है कि उनको जो काम दिया गया है या उनको कोई ऐसी चीज मिली है, चाहे वो कोई ऑफिस में ही काम कर रहे हो, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या कोई ऐसी चीज दी है, तो उनके माइंड में एक सोच होती है कि ये चीज मेरे लायक नहीं है, ये काम मेरे लायक नहीं है। तो ये उनकी कुछ ऐसी सोच होती है जिससे कि उनको, जो उनको एक क्लोज माइंडसेट के इंसान बनाती है। अब इसी तरीके से अगर हम ओपन माइंडसेट की बात करें तो ये लोग बिल्कुल उल्टे होते हैं, क्लोज माइंडसेट से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये लोग लर्न करने में बिलीव करते हैं, ये जानते हैं कि इनकी ग्रोथ के लिए इनको नई नई चीजें सीखनी जरूरी है, और ये अपनी ग्रोथ के लिए नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। दे वॉन्ट टू ग्रो इन देयर वर्क, वेदर इट्स प्रोफेशनल और इन लाइफ, सो एनीथिंग। मतलब इनको हमेशा एक अंदर से एक्साइटमेंट रहती है कि मुझे अब ये चीज ट्राई करनी है, कुछ अलग चीज हटके ट्राई करनी है, कुछ हार्ड वर्क करना है या कुछ ऐसी नई चीज करनी है जिससे कि मेरी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहे। और उनके माइंड में रहता है कि अगर वो फेल हो गए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने ट्राई करना बंद कर दिया है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो अगर फेल होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल लोगों को ठहराते हैं कि आपकी वजह से फेल हो गया। हालांकि यही चीज क्लोज माइंडसेट के लोग हमेशा अपने फेलियर का रिस्पॉन्सिबल किसी और को ठहराते हैं। और ये जो ओपन माइंडसेट के लोग होते हैं, ये हमेशा अपनी लिमिट्स को इंप्रूव करने में बिलीव करते हैं। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा करूं, सो दैट कि मेरी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहे। तो ये जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, जो ओपन माइंडसेट के लोगों का, ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है क्लोज माइंडसेट। अब आप रिलेट कर सकते हैं ये थोड़े से एग्जांपल्स के साथ कि कैसा माइंडसेट है। और ये माइंडसेट जो है, देखो, अगर किसी का कोई क्लोज माइंडसेट है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी इसमें गलती है। ये हमारी सोच डेवलप होती है शुरू से लेके अब तक, हम किस एटमॉस्फेयर में हैं, कैसे लोगों के साथ हैं, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब हर चीज इसके अंदर है, हमारी एवरीथिंग, राइट। तो अगर कोई इंसान को लगता है ये सुनने के बाद कि उसका माइंडसेट क्लोज माइंडसेट है, या वो ऐसा माइंडसेट है जो एग्जांपल्स क्लोज माइंडसेट के दिए गए हैं उस तरीके से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्प्रूव नहीं हो सकता।
अगर आप इसमें धीरे धीरे अपने वो माइंडसेट को चेंज करने में बिलीव करेंगे, जो लोग ओपन माइंडसेट वाले करते हैं उन चीजों को करने में बिलीव करेंगे, तो धीरे धीरे आप चेंज करेंगे। एक और चीज मैं आपसे यहाँ से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, क्लोज माइंडसेट के लीडरशिप में अगर हम जाएं, क्योंकि अगर हमारा कोई लीडर है या कोई कंपनी का मैनेजर है या कोई टीम लीडर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लीडर कोई वर्क कर रहा है, अगर उस इंसान का माइंडसेट क्लोज होगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी। उसके अंदर क्या हैबिट्स होंगी? उसके अंदर हैबिट होगी सबसे पहली कि वो सिर्फ चाहेगा अपने आप को हर चीज में हाईलाइट करना। वो टीम के साथ ना चलेगा, वो चाहेगा कि हर चीज का एप्रिसिएशन सिर्फ उसको मिले। वो अपनी एप्रिसिएशन के लिए काम करेगा, ना कि कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करेगा। ये होता है। वो हर चीज के अंदर अपने टीममेट्स का फॉल्ट निकालेगा। वो ऐसी बात करेगा कि उसकी टीम जो है वो किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव होगी। वो बात कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इंटेंशनली ना करे, वो फॉल्ट निकाले या अपने आप को प्रेस करे। बट ये जो हैबिट है, इससे क्या होता है, इससे आपकी टीम ग्रो नहीं करती है। और बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस वजह से फेल हुई हैं, बंद हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो सही डायरेक्शन में मूव नहीं हुई, क्योंकि उनका जो लीडर था उसका क्लोज माइंडसेट था। इसी के ऑपोजिट में जो ओपन माइंडसेट के लीडर्स होते हैं, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें या किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हों, तो वो अपनी क्वालिटी से उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाते हैं ऊपर, क्योंकि उनके अंदर एक गोल होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहते हैं। उनके माइंड में ये नहीं होता कि सिर्फ उनको ग्रो करना है, उनके माइंड में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। और वो हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। वो टीम की नेगेटिविटी को भी बहुत प्यार से, बहुत हैंडल तरीके से करते हैं कि सो दैट वो आगे मूव हो। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेने में बिलीव करते हैं। वो ये बिलीव नहीं करते कि हर चीज के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, और वो ये भी बिलीव नहीं करते कि किसी भी फेलियर के पीछे कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाला जाए, क्योंकि जो क्लोज माइंडसेट के लीडर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक्सक्यूजेस निकालने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। उनको पता होता है कि अगर कुछ हुआ है तो इसके पीछे पहले ही उनका एक्सक्यूज एक रेडी होता है। पर कि जो ओपन माइंडसेट के लोग होते हैं, वो फाइंड आउट करने में बिलीव करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उनको पता होता है कि किसी अगर टीम को या किसी टीम मेंबर को डेवलप करना है तो उसमें ये टाइम लगना है, और उस चीज को वो देने में बिलीव करते हैं। ये एक पॉजिटिविटी जो एक ओपन माइंडसेट के लीडर में होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाती है। अगर यही चीज एक इंसान अपने पर्सनल लाइफ में भी रखे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी रखे, जहां पे वो दूसरों की सक्सेस से ना चिढ़के अपनी सक्सेस पे फोकस करे, अपनी टीम की, अपनी ग्रोथ की, अपनी फैमिली की सक्सेस पे फोकस करे, तो डेफिनेटली चीजें बिल्कुल बदल सकती हैं। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिली होगी इस मेरी एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है माइंडसेट के ऊपर, और मैं इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी इलैबोरेट करूंगा चीजें और भी आगे, तो डेफिनेटली मैं आगे भी लेके आऊंगा इसके ऊपर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि जो मेरी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो उसका एक शॉर्ट मैं अपने चैनल में डालता हूँ जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। नमस्कार, थैंक यू।